राशिद मियां, और मैं तो आज पागल हो गया हूँ यार, 232 रन आउट ऑफ 297। खुश है ना, सैमसंग ने कर दिए ना, खुश हो गए ना। और सैमसंग तो ये है ना, तो पाजी 40 बॉल पे 100 की है जो संजू सैमसन ने, वो सेकंड फास्टेस्ट है रोहित शर्मा का 35 गेंदों पे था। ये तालियां किसके लिए? संजू बाबा के लिए। वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दीजिए। संजू सैमसन बहुत परफॉर्म करता है आईपीएल के अंदर, और क्या फेंटा लगाया, क्या छक्के मारे, मुंह पे दिए जा रहे, वो छक्के मारी जा रहा है, मुंह पे दिए जा रहे हैं। संजू सैमसन ने ठोक ठोक के उनको 5 छक्के लगा दिए एक ओवर में। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी है ना संजू की और सूर्य कुमार यादव की, वो जिसने नहीं ना देखी वो बार बार रिपीट करे, देखे। वो इनिंग थी संजू की जो एक बहुत अरसे से दरकार थी, और उसने वो दे दी इनिंग, और संजू ने डिलीवर कर दिया आज। अच्छा, डिलीवर कर देता तो कोई मसला नहीं था, मतलब खोल दिया, फाड़ दिया, पागल बचा उसने बताया। और क्या इनिंग्स खेल गया संजू सैमसन, ये 5 छक्के मारे हैं संजू सैमसन ने एक ओवर के अंदर 236 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ये खेला। इतने तो हमारे 3 मिल के नहीं कर सकते स्ट्राइक रेट यार। संजू सैमसन स्ट्राइक रेट 236.17। मुझ समय सर भी बोलता है यार बायलेटरल होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से खेल रहे नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये उधेड़ के रख देंगे बॉस। आइंदा आने वाले दिनों में अब यही होगा, पाकिस्तान 50 ओवर में भी 297 नहीं बनाता। ये सच है, ये मजाक नहीं है। इसीलिए दिल खुश हो जाता है इंडिया की क्रिकेट हो, जब उनकी क्रिकेट देखी जाती है ना तो मजा आता है वाकई यार। 2024 के हिसाब से कोई क्रिकेट हो रही है और देखने का मजा आ रहा है भाई। छक्के 240 रन, अब ये तो पूरे साल में भी नहीं लगाते हमारे वाले। अब मतलब 200 से ज्यादा रन तो छक्के चौकों से ही हो गए। ये एलन मस्क की टीम को भी हरा दिया इन्होंने, मतलब इससे ज्यादा मार्स पे भी तेज नहीं हो सकी। शायद टाइम आ गया है कि अब गोल्फ या पोलो की तरह हैंडीकैप सिस्टम शुरू किया जाए और हैंडीकैप दिया जाए लेसर टीम्स को, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस हैं वो तो अनमैच, अनपैरेलल्ड, अनराइवल्ड लग रही है। राशिद मियां, और मैं तो आज पागल हो गया हूँ यार, 232 रन आउट ऑफ 297। खुश है ना, सैमसंग ने कर दिए ना, खुश हो गए ना। और सैमसंग तो ये है ना, 297 में से 232 रन बाउंड्रीज में किए हैं, विच इज अ न्यू मेंस टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड। 47 बाउंड्रीज मारी हैं जिसमें 25 चौके 22 छक्के, जो कि मेंस टी20 इंटरनेशनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 20 में से 18 ओवर जो है वो 10 प्लस रन के थे, पहला ओवर 7 रन का और 9वां ओवर 9 रन का, दोनों मेहदी हसन ने किए थे, बस बाकी 10 प्लस थे। तो पाजी 40 बॉल पे 100 की है जो संजू सैमसन ने, वो सेकंड फास्टेस्ट है रोहित शर्मा का 35 गेंदों पे था, कि 3 बड़े उनके चीते रिटायर हो गए और 8 उनके वर्ल्ड कप वाले प्लेयर नहीं खेल रहे। ये भी रिकॉर्ड होगा कि तमाम बॉलर्स की इकोनॉमी रेट 10 प्लस है। बॉलर के इधर 2 टेस्ट मैच जीत के जा रहे थे, हम तो समझ रहे थे कि बहुत इंप्रूव कर लिया। संजू सैमसन स्ट्राइक रेट 236.17, सूर्य कुमार यादव 214.28, रियान पराग 261.5। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तीसरे T20 मैच के अंदर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए रन का अंबार लगा दिया। अब तक का T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल 297 रन का पहाड़ जितना टोटल तैयार किया इंडियन टीम ने, जो कि एक तरफा 99% इंडियन टीम विक्ट्री ले चुका है 297 स्कोर बनाने के लिए। संजू सैमसन की शानदार सेंचुरी, संजू सैमसन इंडियन टीम के वाइस खिलाड़ी बन चुके हैं कि जिन्होंने रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर 23 सेंचुरी स्कोर की। सिर्फ 40 बॉल्स के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर सेंचुरी स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। अगर 3 से 4 बॉल कम होती तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। सेंचुरी बनाने के लिए संजू सैमसन ने 11 छक्के और 8 चौके लगाए। इनका खूब साथी सूर्य कुमार यादव ने, सूर्य कुमार यादव के 75 रन। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव वो वाइस प्लेयर बन चुके हैं कि जिन्होंने 2500 रन कम्प्लीट किए T20 फॉर्मेट के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडिया का ये यंग टैलेंट इंडिया को पहले से बहुत आगे ले जाएगा। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग के बाद हार्दिक पांड्या ने टीम को संभाला। हार्दिक पांड्या के 47 रन और दीगर खिलाड़ियों को दिनेश परांग की बैटिंग, दीगर खिलाड़ियों को 25 स्कोर मिलते मिलते टीम का टोटल पहाड़ जितना हो गया, जिसके बाद इंडियन टीम ने एक तरफा विक्ट्री अपने हाथ में कर ली। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी 300 टारगेट नहीं बन रहा, जबकि इंडियन टीम ने T20 फॉर्मेट के अंदर फास्टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने नए लड़के, टीम में कोई भी पुराना बड़ा नाम नहीं था, नए लड़कों के साथ, यंग टैलेंट के साथ इतना बड़ा स्कोर कर दिया, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ा सबक है। शुभ अख्तर कहना है कि आज का मैच, इंडियन टीम का मैच देख के लग रहा था कि इंडियन टीम पुराने रूप में वापस आ गई है, और अगर चैंपियन ट्रॉफी T20 फॉर्मेट पे होगी तो यकीन माने कि ये इंडिया का यंग स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के अंदर तबाही मचा देगा। कोई पता नहीं चलता
रिलीज होने तक वो अपनी क्रीज में रहता है, जैसे एंड पे एंड तक बॉलर बॉल को रिलीज करता है उस टाइम वो मूव होता है, कभी ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है, कभी ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे मार देता है, कभी किधर मार देता है। अजीबो गरीब किस्म का वो प्लेयर आया है, बॉलर की लाइन को लेंथ को उसके कॉन्फिडेंस की तहस नहस करके साइड पे मारता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत है यार। आप एक चीज देखो, संजू सैमसन आता है बैटिंग करने वो मारता है, पराग आता है वो अपना गेम खेलता है, सूर्य कुमार यादव आता है वो खुला खेलता है, जो आता है वो खुला खेलता है। हार्दिक पांड्या ने आई थिंक 42 रन आई थिंक उसने किए, वो आया शुरू हो गया बॉल कम रन ज्यादा, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। रिंकू सिंह जब आता है वो खुला डुला मारता है, बॉल भी नहीं रोकता, इसीलिए दिल खुश हो जाता है। इंडिया की क्रिकेट हो, जब उनकी क्रिकेट देखी जाती है ना तो मजा आता है वाकई यार, 2024 के हिसाब से कोई क्रिकेट हो रही है और देखने का मजा आ रहा है। करे ना संजू की बुराई, मैं नहीं मानता कि ये 297 गेन होने, अबे बराबर की टीम तो रोहित की टीम रह गई है T20 की, रोहित और विराट T20 से रिटायरमेंट ले, एक टीम इंडिया की और बने, इनका आपस में वर्ल्ड कप करा दिया जाए, मतलब मुकाबले नहीं छोड़ा भैया। 297 यार बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, मतलब बात यह है जबरदस्त 100, और जिसको देखने के लिए आप एंटरटेन हो, जिसको बैठ के आप मजे करें, जिसका भाई। आप संजू पे तकिया भी बहुत का यार, बहुत दिनों से वो इनिंग थी संजू की जो एक बहुत अरसे से दरकार थी और उसने वो दे दी नहीं। संजू सैमसन से इसी किस्म की बल्लेबाजी की तवक्का रहती है दुनिया को हमेशा, ही इज वेरी टैलेंटेड और संजू ने डिलीवर कर दिया आज। अच्छा डिलीवर कर देता तो कोई मसला नहीं था, मतलब खोल दिया फाड़ दिया पागल, मतलब उसने बताया, लेकिन टेस्ट प्लेइंग नेशन में ये सबसे बड़ा स्कोर है। उसके बाद ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने 290 पार किया है, ना इंग्लैंड ने किया है, ना श्रीलंका ने किया है, ना साउथ अफ्रीका ने किया है, पाकिस्तान तो आजकल 190 भी पार कर दे तो अनोनी होती है। इंडिया ने जो इस मैच में हासिल किया, संजू सैमसन खोया हुआ एक इतना पुराना और पुराना पापी का वर्ड अगर कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 133 रन से वासी ने बताया जीत गए, क्यों जीत रहे यार ये तो बन नहीं रहे, इंडिया के लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं भैया, उनके गेम को ऑनर जो अच्छा कर रहे हैं। बंद भी नहीं था विराट रोहित पंत दुबे बुमराह सिराज कुलदीप 7 लड़के विनिंग चैंपियन टीम के नहीं थे, सेकंड स्ट्रिंग लोचो के ये जो सेकंड बेंच इनकी आ रही है ये 300 रन बनाने के लायक है। 22 छक्के, 240 रन, अब ये तो पूरे साल में भी नहीं लगाते हमारे वाले। जडेजा कहाँ है, अक्षर कहाँ है, जायसवाल कहाँ है, बुमराह कहाँ है, अब पूरी टीम नहीं है 297। अबे मतलब 200 से ज्यादा रन तो चक्के चौकों से ही होगा। ये एलन मस्क की टीम को भी हरा दिया इन्होंने, मतलब इससे ज्यादा मार्क्स पे भी तेज नहीं हो सकी। 100 रन तो चौकों के, पता नहीं 130-140 के करीब तो छक्कों के, हाँ तो 235-40 रन तो छक्के और चौकों से ही बनाए। अब देख लो क्या चल रहा है मार्केट में, अबे ये तो 5 साल में मारते हैं छक्के T20 में।